हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संजय सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है वाईफाई एग्जाम आईक्यू। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो ये जनरल स्टडी का प्रोग्राम है, इसमें हम ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के विगत वर्षों में पूछे गए सारे प्रश्नों को कवर करेंगे। ठीक है, बहुत ही कम समय में हम पूरा रिवाइज करेंगे। जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न इन चैप्टर से बन सकते हैं उनका अध्ययन आज आपको करवाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। पहला प्रश्न इसमें बनता है कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो आर्य का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ वंश। क्या होता है? श्रेष्ठ वंश। ठीक है, श्रेष्ठ वंश होता है। और आर शब्द का एक शाब्दिक अर्थ और होता है उत्तम व्यक्ति। क्या होता है? उत्तम व्यक्ति। ठीक है, अब आर्य किस जगह से आए, अभी तक ये सभी विद्वान अपने अपने तरीके से बताते हैं, लेकिन वो क्लियर नहीं है कि आर्यों का आगमन कहाँ से हुआ। ठीक है, आर्य के शब्द से आप परिचित हो गए, अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना ओल्ड वेद कौन सा है? ओल्ड वेद सबसे पुराना वेद है, जैसा कि आप पढ़ते भी हैं। सबसे पहले कौन सा वेद आता है? ऋग्वेद। चार वेद होते हैं। ठीक है, वैदिक साहित्य में चार वेद हैं, जिनमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, यानी सबसे पहले इसी की रचना हुई ऋग्वेद। ऋग्वेद पर ही आधारित है। ऋग्वेद पर आधारित किस वेद की फिर रचना हुई? इसके बाद हुई है रचना सामवेद की। किसकी हुई है? सामवेद, सामवेद की रचना हुई। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, त्रयी शब्द क्या है? त्रयी, त्रयी, या इसी को कहते हैं वेद त्रयी। क्या कहते हैं? वेद त्रयी। तो तीन वेदों को मिला करके वेद त्रयी कहा गया है, जिनका नाम है तीन वेदों का संकलन वेद त्रयी कहलाता है, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों को मिला देते हैं तो ये वेद त्रयी कहलाता है। इन तीनों को वेद त्रयी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नाम उल्लेख किस वेद में मिलता है? किस शब्द का? वर्ण शब्द का। वर्ण शब्द का उल्लेख सबसे पहले किस वेद में मिलता है? तो वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। किस वेद में? ऋग्वेद में वर्ण शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। अगला क्वेश्चन है, वर्ण व्यवस्था से संबंधित जो पुरुष सूक्त है, क्या है? पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त का उल्लेख किस वेद में है? तो पुरुष सूक्त का उल्लेख है ऋग्वेद में। किस वेद में? ऋग्वेद में पुरुष सूक्त का उल्लेख है। जैसा कि आप जानते हो कि ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं, उन्हीं में से एक सूक्त होगा पुरुष सूक्त। तो इसका उल्लेख किस वेद में है? ऋग्वेद में। 1028 सूक्त हैं और 10 मंडल हैं। याद रखिएगा, ये बहुत पूछा जाता है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो 10 मंडल हैं। अगला क्वेश्चन बनता है कि किस वेद में किन चीज़ों का वर्णन है? तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि ऋग्वेद में किस चीज़ का वर्णन है? ऋग्वेद में है देवी देवताओं की स्तुति से संबंधित, देवी देवताओं को की गई प्रार्थना से रिलेटेड। जो देवता हैं, देवताओं को
प्रसन्न करने के लिए जो प्रार्थनाएं की जाती थी, उनको पूजा पाठ किया जाता था, प्रार्थना स्तुति की जाती थी, इनका उल्लेख ऋग्वेद में है। यजुर्वेद में किसका उल्लेख है? यज्ञ और उनके विधि विधान का उल्लेख है। सामवेद में किसका उल्लेख है? संगीत का उल्लेख है, ठीक है। अथर्ववेद में किसका उल्लेख है? तो अथर्ववेद में आयुर्वेद का उल्लेख है। आयुर्वेद यानी जीवन का विज्ञान कहते हैं, ठीक है। कभी ऐसे भी पूछा जाए जीवन के विज्ञान, इसका उल्लेख किस में है? अथर्ववेद में है। आयुर्वेदिक चीज़ों का उल्लेख इसी में है। रोग निवारण से संबंधित जितनी भी चीज़ों का उल्लेख है वो अथर्ववेद में है। रोग निवारण के लिए देखिए उन्होंने, वो लोग क्या चीज़ अपनाते थे? मंत्र, टोना, टोटका, ये सब चीज़ें जो है रोग निवारण समस्याओं को दूर करने के लिए वो यूज करते थे। और इन सब का उल्लेख विभिन्न प्रकार के मंत्रों का, टोना का, माया, जादू, जादू का भी उल्लेख किसमें है? जैसे जादू करके किसी रोग को ठीक करना, ये सब उल्लेख इसमें है अथर्ववेद में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि चार वेदों में से किस एक में जादुई माया या वशीकरण का वर्णन है? तो मैं बता ही चुका हूँ आपको, अथर्ववेद में है। ऋग्वेद में कितनी ऋचाएँ हैं? 128 ऋचाएँ हैं, 128 सूक्त हैं। ऋग्वेद क्या है? स्त्रोतों का संकलन। मैंने आपको बताया देवी देवताओं को जो स्तुति की जाती है उसको कहते हैं स्त्रोत, ठीक है। स्त्रोत का वर्णन किसमें है? वो ऋग्वेद में है, ओके। इसके बाद आइए कि हम ब्राह्मण ग्रंथों की, वैदिक साहित्य जो वेद रचे गए हैं उन सब वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ भी हैं, ठीक है। तो उन ब्राह्मण ग्रंथों पर हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है बताएं आप लोग? ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय और कौशीतिकी, ऐसे आप याद कर सकते हैं। एक ई से हो गया ऐतरेय और का से हो गया कौशीतिकी। तो ऋग्वेद के दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं ऐतरेय और कौशीतिकी। सामवेद का एक है पंचविश। क्या है? पंचविश। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है सतपथ। क्या है? सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ यजुर्वेद का है। इसके बाद अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? गोपथ। क्या है? गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ है अथर्ववेद का। तो ऋग्वेद के हैं ऐतरेय कौशीतकी, सामवेद के हैं पंचविश। पंचविश को ही तांडय ब्राह्मण ग्रंथ भी कहा जाता है, तांडय या तांडय। तांडय ब्राह्मण ग्रंथ पंचविश, यजुर्वेद का है सामवेद, अथर्ववेद का है गोपथ, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से रिलेटेड है? इसमें चार विकल्प दिए हुए हैं, ऐतरेय, गोपथ, सतपथ और तैत्रीय। तो आपको मैं बताई चुका हूँ कि ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ और कौशीतिकी ब्राह्मण ग्रंथ ये ऋग्वेद के हैं, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन दिया है कि गोपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है? बता चुका हूँ गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद से है। इसको याद करने का एक तरीका आपको और बता देता हूँ। गोपथ में ये था का प्रयोग हुआ है और अथर्ववेद में भी था का प्रयोग हुआ है, ये देखिए। तो गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। इसके बाद ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम को समर्पित है? तो ऋग्वेद का नौवां मंडल जो है वो सोम को समर्पित है। सोम एक प्रकार का पेय पदार्थ होता था ऋग्वेदिक काल में, ठीक है। तो नौवें मंडल में सोम का वर्णन है। किसका वर्णन है? नौवें मंडल में सोम का वर्णन है और नौवां मंडल ऋग्वेद का है। ऋग्वेद के 10 मंडल हैं जिसमें नौवें मंडल में इसका उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद का, ऋग्वेदिक संहिता का नौवां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो सोम को समर्पित है, बताई चुके हैं। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किस वेद से पता चलता है? यजुर्वेद से। और यजुर्वेद के दो भाग हैं, याद रखिएगा, यजुर्वेद के दो भाग हैं। एक तो है शुक्ल यजुर्वेद और एक दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद। अगला क्या है? कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। इसके बाद आइए, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? ये हो गया सामवेद पर। ऋग्वेद पर
कौन आधारित है? ऋग्वेद के बाद सामवेद आता है तो ऋग्वेद पर आधारित रहेगा सामवेद। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त होते हैं, यानी कि लौह धातु के जो प्रमाण हैं वो किससे किस स्थान से प्राप्त होते हैं? अतरंजी खेड़ा। कहाँ से प्राप्त होते हैं? अतरंजी खेड़ा से। ठीक है, अतरंजी खेड़ा से। यहाँ पर लौह धातु को गलाने का कार्य किया जाता था अतरंजी खेड़ा में। उपनिषद जो पुस्तकें लिखी गई हैं वो किस पर आधारित पुस्तकें हैं और इनका दूसरा नाम भी क्या होता है? जैसे उपनिषदों को हम कहते हैं वेदांत, ठीक है, उपनिषदों को क्या कहते हैं हम? वेदांत। जो अपने चार वेद हैं ना उनके ही ये भाग हैं, प्रत्येक वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, फिर उनके आरण्यक हैं और फिर उपनिषद भी हैं, और उपनिषदों को कहते हैं वेदांत। यानी कि वेद के अंत में जो भाग जोड़ा गया है उसको उपनिषद कहते हैं, और उपनिषद वाली पुस्तकें किस पर आधारित हैं? दर्शन पर। किस पर आधारित हैं? फिलॉसफी यानी दर्शन पर। दार्शनिक वाद विवादों की चर्चा की गई है उपनिषदों में। उपनिषदों का मुख्य विषय दर्शन। निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो मोक्ष की जो चर्चा मिलती है वो आपको उपनिषद में ही मिलती है। मोक्ष की चर्चा किस में मिलती है? मोक्ष की चर्चा उपनिषदों में ही मिलती है। चलिए अगला क्वेश्चन। आध्यात्म ज्ञान के विषय में यम और नचिकेता का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? यम और नचिकेता, यम और नचिकेता, इन दोनों का जो बीच में वार्तालाप हुआ है, जो संवाद हुआ है, वो कठोपनिषद में मिलता है। किसमें मिलता है? कठोपनिषद। ये कठोपनिषद किसका उपनिषद है? यजुर्वेद का। किसका है? यजुर्वेद का उपनिषद है कठोपनिषद। यजुर्वेद आपको मैंने दो भागों में बताया था, एक तो होता है कृष्ण यजुर्वेद और एक होता है शुक्ल यजुर्वेद। तो ये कृष्ण यजुर्वेद का हिस्सा है ये कठोपनिषद, याद रखिएगा। अब इसमें चर्चा क्या हुई है यम और नचिकेता के बीच में? यम ने नचिकेता को उपदेश दिया है कि ना इस आत्मा का कभी जन्म होता है ना कभी इसकी मृत्यु होती है, क्योंकि यह अजन्मा नित्य और शाश्वत है। इस प्रकार का वर्णन इसमें किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नचिकेता आख्यान का उल्लेख किस में मिलता है? तो बता ही चुके हैं, कठोपनिषद में। उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? केकय के राजा अश्वपति थे, याद कर लीजिए। केकय, केकय के राजा कौन थे? अश्वपति। ये उपनिषद काल के थे। केकय के राजा कौन थे? अश्वपति। इसके बाद जो वैदिक साहित्य हैं उनका सही क्रम लगाना है, तो सबसे पहले तो आते हैं वेद। सबसे पहले क्या आते हैं? वेद। अब वेदों के बाद आता है ब्राह्मण ग्रंथ। क्या आता है? ब्राह्मण ग्रंथ। इसके बाद क्या आता है? आरण्यक। इसके बाद क्या आते हैं? आरण्यक। इसके बाद क्या आता है? उपनिषद। इसके बाद क्या है? उपनिषद। इसके बाद आपके उपनिषद हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आरंभिक जो वैदिक साहित्य हैं उनमें वर्णित जो नदी है, उनमें वर्णित नदी जिसका वर्णन सबसे ज्यादा बार हुआ है, उस नदी का नाम बताइए। तो उस नदी का नाम है सिंधु नदी। किस नदी का उल्लेख सबसे ज्यादा बार हुआ है? तो सिंधु नदी का। ठीक है, लेकिन जो सबसे नदियों में जो देवी कहा गया है वो किसको कहा गया है? सरस्वती को। इसी को कहते हैं नदी तमा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा वर्णन इसका है, सबसे ज्यादा पवित्र सरस्वती को माना गया है। इसके बाद आइए देखते हैं। वैदिक नदी अश्किनी की पहचान निम्नांकित नदियों में से किसके साथ की जाती है? यानी कि अश्किनी
किस नदी का पुराना नाम था? अश्किनी। तो अश्किनी ये नाम था चेनाब नदी का। किसका? चेनाब नदी का पुराना नाम था। ऋग्वेदिक काल में जो अफगानिस्तान में कौन कौन सी नदियां बहती थीं इसका उल्लेख प्राप्त हुआ है, तो कुभा और क्रूमू, कुभा और क्रूमू, इन दोनों नदियों का उल्लेख कहाँ पर, इन दोनों नदियां कहाँ बहती थीं? अफगानिस्तान। कहाँ पर? अफगानिस्तान में। ठीक है, अब कुभा का जो नया नाम है वो क्या है? काबुल। क्रूमू का नया नाम क्या है? कुर्रम। ठीक है, गोमती है, इसी तरह गोमती नदी जो लखनऊ में बहती है उसका पुराना नाम क्या था? गोमल। ठीक है, तो इनके पुराने नाम भी आपको याद होने चाहिए। कुछ और नदियां हैं जिनके पुराने नाम और नए नाम देख लेते हैं। जैसे आजकल है रावी नदी, रावी का पुराना नाम था परुषणी। क्या था? परुषणी नदी। इस समय गंडक, गंडक का पुराना नाम था सदानीरा। क्या था? सदानीरा। इसके बाद सतलज, सतलज नदी का पुराना नाम क्या था? सतुद्री। क्या था? सतुद्री नदी। चलिए अब, यानी वेदोत्तर काल यानी उत्तर वैदिक काल में किन चीजों का वर्णन है? जैसे ये चार पुरुषार्थ हैं, चार पुरुषार्थों का वर्णन, चारों पुरुषार्थों का वर्णन जो है धर्म अर्थ काम मोक्ष, इनका वर्णन उत्तर वैदिक काल में प्राप्त होता है। और चार आश्रम हैं, चार आश्रम, इनका वर्णन भी आपको उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में प्राप्त होता है। इसके बाद देखते हैं ऋत शब्द का अर्थ क्या है। ऋत शब्द का जो अर्थ है, ऋत शब्द का अर्थ है प्राकृतिक नियम। ठीक है, वैदिक देवताओं में किसको उनका पुरोहित माना जाता था? वैदिक देवताओं के जो पुरोहित हुआ करते थे वो कौन थे? उनका नाम था बृहस्पति। बृहस्पति जी को वैदिक जितने भी देवी देवता थे उनका पुरोहित माना जाता था। वे कौन सी ब्रह्मवादिनी हैं जिन्होंने कुछ वेद मंत्रों की रचना की? तो एक तो है अगस्त ऋषि की पत्नी लोपामुद्रा। अगस्त ऋषि की पत्नी है लोपामुद्रा, लोपामुद्रा। ठीक है, अगली है अपाला, दूसरी है घोषा। अपाला, घोषा, विश्ववारा, अपाला, घोषा, विश्ववारा और लोपामुद्रा, लोपामुद्रा, ये चारों हैं जिनका जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की है। ठीक है, इसके बाद बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निष्क शब्द का उल्लेख ऋग्वेदिक काल में किसके लिए हुआ है? निष्क, निष्क का, निष्क नाम का एक आभूषण हुआ करता था जिसको ऋग्वेदिक काल के लोग पहनते थे। निष्क क्या होता था? आभूषण। लेकिन इसके बाद निष्क एक चीज और हो गया, सिक्का। तो आभूषण कब तक था? ऋग्वेदिक काल तक। लेकिन इसके बाद पोस्ट ऋग्वेदिक काल इसमें जो है इसको सिक्का, निष्क नाम का एक सिक्का चलने लगा। और निष्क नाम का जो सिक्का था किस धातु का बना होता था? सोने का, स्वर्ण धातु का। क्वेश्चन कई प्रकार से बन सकता है कि निष्क किस धातु का था? स्वर्ण का। निष्क नाम का सिक्का किस काल में चलता था? तो वैदिक काल में भी और परवर्ती काल में भी ये निष्क नाम का सिक्का चलता था। इसके बाद है गोत्र शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में प्राप्त होता है? गोत्र सबसे इंपॉर्टेंट है। गोत्र शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में प्राप्त होता है। किस में प्राप्त होता है? ऋग्वेद में। ठीक है,
चलिए अभी के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर आपसे हम 10 मिनट के बाद और इसको कंप्लीट करेंगे। कुछ क्वेश्चन और शेष रह गए हैं, 25-30 प्रश्न, इनको कवर करके ये टॉपिक समाप्त करते हैं। तो देखते रहिए हमारे इस चैनल को, वाईफाई एग्जाम IQ।